गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट चार सफाई का महत्व इसके बारे में रीडिंग कर चुके हैं और इसकी फिरिंगी ग्लैंड, साइट्रॉन, ये सारी चीज़ें आपको मैं करा चुकी हूँ। तो बच्चों, आज हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला पोर्शन है, अगला भाग है, वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला भाग इसी चैप्टर का हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिना हाथ धोए खाना खाने से क्या होता है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है कि बिना हाथ धोए खाना खाने से क्या होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिना हाथ धोए खाना खाने से हमें ऐसे पेट संबंधी अनेकों रोग हो जाते हैं, यानी बिना हाथ धोए खाना खाने से पेट संबंधी अनेकों रोग हो जाते हैं, इसलिए हाथ धोकर हमें खाना को, भोजन को करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि हम रोज स्नान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि हम रोज स्नान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अभी इसका उत्तर है कि यदि हम रोज स्नान नहीं करेंगे तो हमें त्वचा संबंधी अनेकों रोग हो जाएंगे और शरीर से दुर्गंध भी आने लगेगी। हमें अपनी त्वचा को, हमें अपनी स्किन को साफ सुथरा रोगों से बचाने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अगला है, हमें दांतों पर ब्रश क्यों करना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमें दांतों पर ब्रश क्यों करना चाहिए। यहाँ पर बेटा मैं हमें लिखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पर हमें लिखिएगा। अगला है, हमें दांतों पर ब्रश क्यों करना चाहिए। तो हमें अपने दांतों को कीड़े और मुंह में आने वाले दुर्गंध से बचाने के लिए ब्रश को करना चाहिए। मुंह में कीड़े लग जाते हैं, बदबू आने लगती है। अगर आप दांतों की साफ सफाई नहीं करते हैं तो आपके मुंह से बदबू आने लगती है, मुंह में कीड़े लग जाते हैं। तो हमें अपने दांतों को उनसे बचाने के लिए प्रतिदिन दो बार ब्रश करना चाहिए। हमें अपने दांतों को कीड़े लगने और मुंह के, हमें अपने दांतों को कीड़े लगने और मुंह के दुर्गंध, मुंह से आने वाले दुर्गंध से बचाने के लिए हमें प्रतिदिन ब्रश को करना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सफाई का क्या महत्व है। इसका उत्तर बेटा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सफाई से आपका क्या महत्व, जैसा कि ये पूरा चैप्टर ही सफाई पर डिपेंड है, तो आप जान लीजिए इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। सफाई रखने से हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है और हम कभी बीमार नहीं पड़ते, इसलिए हमारे जीवन में सफाई का विशेष महत्व है। फिर आपका है अगला क्वेश्चन, समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। आपकी बुक में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, समानार्थी शब्द, यानी समानार्थक शब्द कहते किसे हैं। समानार्थक शब्द होता है कि उसी शब्द को हम और कितने नामों से जानते हैं, या फिर आप उसे पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपका पहला आपका शब्द है विद्यालय। तो विद्यालय हम इसका समानार्थक शब्द क्या होगा, पाठशाला। विद्यालय का समानार्थक शब्द हमारा क्या होगा, पाठशाला। फिर है अगला भोजन। अगला क्या है हमारा, भोजन। तो भोजन का समानार्थक शब्द क्या होगा, आहार। भोजन का समानार्थक शब्द क्या हो गया, आहार। फिर है तीसरा आपका समाचार पत्र। तो समाचार पत्र का समानार्थक शब्द क्या होगा, अखबार। क्या होगा, अखबार। ठीक, अगला है आपका स्नान।
अगला शब्द है आपका स्नान। तो स्नान का समानार्थक शब्द क्या होगा? नहाना। स्नान का समानार्थक शब्द क्या होगा? नहाना। फिर है आपका रोग। रोग का समानार्थक शब्द क्या होगा? बीमारी। रोग का समानार्थक शब्द क्या होगा? बीमारी। फिर है आपका अगला कीमत। कीमत का समानार्थक शब्द क्या होगा? दर या मूल्य। कीमत का समानार्थक शब्द क्या होगा? दर या फिर मूल्य। फिर इसके बाद आपकी बुक में दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे रोग, बदबू, नाश्ता, कीमत, स्नान, वातावरण। तो बच्चों आप इसे अपनी बुक में ही भरिएगा, मैं आपको ओरल बता रही हूँ, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं या फिर मैं क्वेश्चन को रफ कर दूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है? 2 मिनट वेट करिए। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, तो हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक? फर्स्ट क्वेश्चन हमने रफ कर दिया है अपना। अभी इसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को रफ करने के बाद हम आपको आगे वाला क्वेश्चन ब्लैकबोर्ड पर समझा रहे हैं। तो बच्चों आपका है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, हाँ, यानी कि आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो आपका पहला शब्द है रोग। पहला शब्द है आपका रोग। तो रोग का अर्थ होगा आपका बीमारना। रोग का अर्थ क्या हो गया आपका? बीमारियां। फिर है आपका अगला शब्द बदबू। अभी बदबू का अर्थ क्या होगा? दुर्गंध, ठीक है? ये काम आपको अपनी बुक में ही करना है, यानी समानार्थक शब्द और निम्न शब्दों के अर्थ ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही करना है। फिर है आपका अगला नाश्ता। नाश्ते को हम क्या बोलते हैं? सुबह का भोजन। नाश्ते को क्या बोलते हैं? सुबह का नाश्ते को क्या बोलते हैं? सुबह का भोजन। फिर है आपका अगला है आपका अगला है आपका वातावरण। वातावरण, वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। अभी इसके बाद आपका है स्नान। तो आप स्नान का क्या लिखेंगे? यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, स्पेस कम है, तो मैं केवल अर्थ लिखे दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? नहाना। फिर है आपका कीमत। कीमत का अर्थ होता है आपका दर। तो बच्चों ये वर्ग आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको केवल प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने, आप कठिन शब्द और शब्दार्थ कर चुके होंगे, उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, बाकी का ये समानार्थक शब्द, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए और निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। इसे आप अपनी वर्कबुक में ही करोगे, आपके पास हिंदी की बुक है, इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर आपका 16 और पेज नंबर 17। पेज नंबर 16 पे देखिए ये एक्सरसाइज दी है ना, आप निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, तो इसमें आपको ये वाला फिल करना है पोर्शन, ठीक? फिर आपका दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये जो मैंने शब्दों के अर्थ लिखे ये आपको 4 नंबर में फिल करना है। फिर है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, ये आप अपने आप स्वयं से करेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर आप पूछिएगा। ओके बेटा, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच बच्चों।